हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, एंड ये वीडियो है रविवार सुबह मॉर्निंग की, और हम कर रहे थे खाना बनाने की तैयारी। तो हमारे यहाँ मिट्टी का चूल्हा और गैस चूल्हा दोनों है, तो घर पे गाय भी है, तो हो जाते हैं थोड़े बहुत जलावन, गाय के गोबर से जो बनता है उसका जलावन। तो कभी कभी मिट्टी के चूल्हे पे भी खाना बन जाता है हमारे यहाँ, और कभी कभी गैस पे भी। तो मुझे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाना आता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है। तो वो भाभी बना रही थी, और गैस चूल्हा पे जो बनाने लायक होता है वो मैं बना देती हूँ। तो फर्स्ट में भाभी खाना बना रही थी, तो मैंने चावल को थोड़ा सा क्लीन कर दिया बनाने के लिए। तो वो भी मैंने, मतलब मैं उतना की नहीं हूँ, बट हाँ, वो तो चावल से कंकड़ या कुछ निकालने हैं या थोड़े बहुत उसको झटकाने हैं तो हो जाते हैं। एंड इस दिन अभी भाभी को थोड़ा काम आ गया था, तो मैं बोली आज मैं ही चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। तो बनाने के लिए तो मैं आ गई, एंड मैं बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो स्टार्टिंग में तो सब अच्छे से हो रहा था, क्योंकि आग भाभी ने अच्छे से जला दिया था, तो सब्ज़ी बन रही थी। एंड लास्ट में बनते बनते आग बुझ गई, और मैं कितनी भी कोशिश की मेरे से आग नहीं जली, उल्टा मैं गई थी हेल्प करने भाभी का, और मैंने उनका काम बढ़ा दिया। फिर उन्होंने भी बहुत ही मुश्किल से आग जलाया, फिर जाके हमारी सब्ज़ी बनी। तो आप लोग भी देखिए। तो यहाँ तक तो मेरे चूल्हे में आग बहुत अच्छे से जल रही थी, और मैं यहाँ पे प्याज एंड ग्रीन वाले जो प्याज होते हैं उसके पत्ते भी थे, और मसाले भी सिलबट्टे पे पीसे हुए थे, वो सब मैं फ्राई कर रही थी। एंड टमाटर वगैरह कट करके रखे हुए थे, और पत्ता गोभी एंड आलू को काट कर कुकर में एक सीटी आने तक बॉयल करके रखी हुई थी। तो सारे मसालों, प्याज और टमाटर को डाल के उसको अच्छी तरह से उससे तेल सेपरेट होने तक उसको फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद उसमें पत्ता गोभी डालना था। बट यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरी आग बिल्कुल बुझ चुकी है, और मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, उसमें फूंक मार रही हूँ, कितनी ही मैंने माचिस की तीलियाँ जलाकर डाल दी, बट फिर भी आग नहीं जला। तो उसके बाद फिर मैंने भाभी को बोला, तो यहाँ पे भाभी आग जला रही हैं। एंड फिर मैं चली गई, भाभी ने ही चूल्हे पे फिर से आग जलाया और सब्ज़ी रेडी किया। यहाँ पे देखिए आग अच्छे से जल रही है, और यहाँ हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी हैं। एंड मिल के काम करो तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो उधर भाभी ने कर लिए, एंड उसके बाद मेरे से जो बन पाता है यहाँ पे मैं कर देती हूँ। तो बर्तन वॉश करने थे यहाँ पे, तो मैं सोची चलो ये तो किसी तरह से मैं कर लूँगी, तो मैं कर रही हूँ बर्तन वॉश यहाँ पे। एंड गांव में इसी तरह से काम होते हैं, नीचे ही बैठ के करना होता है। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ है, बट फिर भी गांव है तो थोड़ी बहुत तो मतलब फैसिलिटीज़ ऐसी ही है। तो यहाँ पे बाथरूम में वहीं पे नल वगैरह लगे हुए हैं, और बर्तन हमारे यहाँ फैमिली बड़ी है तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो छोटे से बेसिन में होने की तो बात है नहीं, तो इसीलिए बर्तन नीचे ही धुलते हैं हम। यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं, और एक एक करके मैं बर्तन वगैरह वहाँ से हटा दूँगी। और सुबह के सारे काम निपटने के बाद दोपहर तक हम थोड़ा मार्केट जा रहे थे, मैं, मम्मी जी एंड भाभी, तो सब लोग रेडी होके निकल चुके। एंड यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, उधर मम्मी बैठी थी, यहाँ मैं हूँ, भाभी हैं और ननद भी थी, बट वो साइड में थी, थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी इसलिए उनका आ नहीं पाया। एंड बाबू आगे खड़ा था, और पापा जी बैठे हुए थे, एंड देवर हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो बस हम सास बहू की टोली निकल चली,
तो बस इतना ही है, मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे यूट्यूब पर आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रास्ते का व्यू इन्जॉय कीजिए। बाय बाय एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।